भगवान दा प्यारा भक्त थैन भाई संत नामदेव महाराज जिन भगवान दा कई बार दर्शन कया साक्षात, वैसे तो लिखला 77 बार पर वरी संत चौंदा न भाई 77 बार तो ठीक आ, जे जिनके जानकारी हुई उन्हें उए लिखाया, पर उनके अलावा भी कई बार नामदेव महाराज दर्शन कया। चौ जय श्री कृष्ण। कदी केड़े रूप में, कदी केड़े रूप में, कदी किए। बचपन खा ही उन्हें भगवान जो दर्शन पातो। लगभग 5-7 साले की उम्र में भगवान उन्हें हथन से खीर पीण के लिए आया नामदेव महाराज। केवल भाव जी बलिहारी या भाव एड़ो हुयो भगवान जो कि भगवान की कड़ी मूर्ति न समझंदा, साक्षात समझंदा कि प्रभु आयन। और पो वरी गुरु ने एड़ी कृपा कई नामदेव महाराज ते कि उए वरी पो सबनिन में दिसन लगा भगवान के। पहरों तो केवल विग्रह में भगवान जा दर्शन कंदा, पर पो तो सबनिन में, इंसान में भी, तो कुत्ते मां भी भगवान के प्रकट कयो नामदेव महाराज गुरु जी कृपा सा। उन्हें जीवन की जी ढी सुंदर घटना इंदी आ कि नामदेव महाराज एक बार सब संतन सांगट बैठा होया, सब भक्त पान में बैठा होया, उनमें वड़ा वड़ा संत आया होया। तदी मुक्ता बाई ता नालो बुद्धे होंदो, मुक्ता बाई जाच करन लगी जी घड़े के ठोके डिसबान बाई कच्चो आ कि पक्को आ, जी थापी थी उन दिसन लगी जेके भी संत भक्त वेठा हुआ इन केर कच्चो आ केर पक्को आ। संत यो सब दिसी मुस्कुराइन पिया। जेडी मल नामदेव महाराज जे पोए तो उन्हें वो थापी रखी ठक ठक कयो तो नामदेव महाराज ओडी मल भक्ति पिया ओडी मल चवण लगा, अरे छाती करे भाई परे थी मुके कीर्तन करण दे भजन करण दे। मुक्ता बाई चवण लगी साई यो घड़ो कच्चो आ। चौ हरे राम। बाकी सब ठीक आ, हे घड़ो थोड़ो कच्चो आ। तो ब्याज एक संत वड़ा मुस्कराए कर चवण लगा हा यो घड़ो तो ना कच्चो आ। नामदेव महाराज सोच में पैजी आ, मां कच्चो, मां की कच्चो थींदुमि भाई जे भगवान जा एडा बार दर्शन करे बताइन। हाँ साक्षात टिन लोकन जो मालिक जेके दर्शन देण इंदो आ, जैसा गड खाइंदो आ, जैसा गड खेडंदो आ, जिनजो खीर भगवान पीअंदो आ, वो कच्चो कीअं रहंदो। संतन के चवण लगा साई ता कमाल आ, हे तो हलो मुक्ता बाई नादान थी, ता सब तो जानकार आयो, ता सबनिन की तो खबर आ, मां की कचो थी नु। नामदेव महाराज चवन ता, तदी संतन चयो कि हा भाई ता आयो तो कच्चा, भले ता भगवान दा साक्षात्कार कयान दर्शन कयान सब ठीक आ, ये ता ते भगवान जी वड़ी कृपा है, पर पो भी हिकड़ी कृपा का ता वंशित आयो, हिकड़ी कृपा ना बाकी आ जेकी तां ते न थी आ, जेकी असां सबनिन ते थी आ, उन जे कारण तां कच्चा आयो। नामदेव महाराज के समझ में ना आयो, तुरंत ढुकिया भगवान विठल वट मंदिर में, भगवान के चवण लगा प्रभु हे दिसो सब तांजा संत मुखे कच्चो कच्चो ता चवन, मां की कच्चो थींदुम। तो भगवान उन सा साक्षात गलाईंदा चवन ता जेसा तां डायरेक्ट तां सा कॉन्टेक्ट आ, तां सा गालाया तो वो माण्हू कच्चो कीअं रहंदो। जीवन जो लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति आ, और मुखे तो तांजी प्राप्ति थी चुकी आ, तो पो मां की कच्चो रहम। भगवान भी चवंदा हा नामदेव सब सही ता चवन, तू ना कच्चो आ। अरे प्रभु तां भी ता चो केड़ो रहस्य है। भगवान चवंदा हा भाई तू ना गुरु न कयो आ, तू के गुरु जी शरण में ना आयो आ। अरे प्रभु पर मानू गुरु कंदा इन तां के पाइण जे लाए, गुरु इन जे लाए कयो इंदो हा न, बियो के रीजन जे लाए न थींदो आ भाई। हे असा कम कढी वठंदा आयूं पंहिंजे गुरुन मां, पर सतगुरु जेके हुंदा आहिनि उहे केवल भगवान सां मिलाइण जे लाइ हुंदा आहिनि। त नामदेव महाराज केॾी ऊची ॻाल्हि चवनि था, पर भगवान ॾिसो कहिड़ो जवाब था ॾियनि। नामदेव महाराज माण्हू कंदो आहे तव्हां सां मिलण जे लाइ, ऐं मूंखे त तव्हां डायरेक्ट मिली विया आहियो, त पोइ मूंखे गुरु करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। चओ हरे राम। तॾहिं भगवान चवनि था न, बिना गुरु तूं हमेशह अधूरो आहे। भले ही तू मुखे पाए वतो आ, भगवान ता चवन, भले तू मुखे पाए वतो आ, मुंजी प्राप्ति करे वती आ, पर बिना गुरु जे तू अधूरो आ।
तहांजे मिलन खां पो भी जीव अधूरो हा भगवान चौंता ना तू अधूरो आ भाई गुरु जी प्राप्ति कर। अरे जदी मां भी संसार में धरती ते लीला करण जे लाय अचां तो भगवान चौंता असां भी गुरु कया नी। अच्छा पो प्रभु तहां ही बुदायो भला मां के गुरु कया। भगवान चौंता कि सामू शिव भगवान जो मंदिर ते ओटे हली वन उते एकड़ा महात्मा वेठा तई जिन जो नालो विसोबा महाराज उन्हन के वनी तू गुरु कर उन्हन जी आज्ञा जो पालन कर जड़ी उन्हन जा वचन पालन कंदे तड़ी तू पक्को थींदे न तो तू कच्चो ही रहंदे भाई। भगवान जी आज्ञा पाए करे नामदेव महाराज रुक पाती जाते शिव भगवान जो मंदिर हो शिवलिंग स्थापना थियल हुई उते वया तो ॾिठऊं कि अरे भाई ये तो कोई गांव जो माण्हू हां ठेठ गांव जो माण्हू कोई सुम पियो आ मंदिर में। अच्छा सुम पियो आ तो ठीक आ पर उन जा पेर जेके न वो शिवलिंग जे मथो आहिनि। चओ हरे राम। अरे नामदेव महाराज सोचण लगा कि थोड़ी घणी श्रद्धा रखण वारो भी माण्हू ये कम न कंदो और भगवान चंदा इन के गुरु कर क्योंकि थोड़ी भी श्रद्धा होंगी तो बरकत न कंदो भाई कोशिश भी न कंदो यो अपराध न कंदो ये तो छाता कनी तुरंत वया सुम पिया होया विसोबा महाराज उन्होंने नामदेव महाराज उथारियो कि बाबा जी तांजा पेर शिवलिंग जे मथों तब पेर हटायो इतां। विसोबा महाराज हथ जोड़े चंदा रे रे माफ कजो मुखे खबर न पई उम्र मुंजी दाढ़ी थी वही मुखे पतो न पयो एक कम कयो तां मुंजा पेर हटाए छडो जे पासे शिव जी न होजन शिवलिंग न होजे उन पासे पेर करे छडो ठीक आ। नामदेव महाराज पेर खया और जी ही हटाया पेर त शिवलिंग उन पासे अची वियो। चओ हरे राम। हैरान थी विया नामदेव महाराज वरी थोड़ा पेर खयो वरी थोड़ा हटायो बे पासे करण लगा त शिवलिंग उन तरफ अची वियो। अखियूं खुली हुई नामदेव महाराज चरणन ते किरी पिया विसोबा महाराज चंता हटायो ना भाई पैर हटायो जाते भगवान ना जो उन पासे पैर रखो। नामदेव महाराज समझिया भाई कोई पौतल संत है तड़ी तो भगवान ने जो पत्तो दिनो आ चरणन ते विनती करण लगा के साईं मुखे ता भक्ति दियो मुखे नाम जो दान दियो श्री भगवान मुखे तावट मोकलियो आ। तड़ी विशोभा महाराज चयो ता में सब कुछ सुठो आ सब ठीक आ बस ता में एकड़ी कमी आ कि ता केवल भगवान जे मूर्ति में ही भगवान के दिसंदा आयो ता तड़ी पक्का थींदो असान जो वचन यो तो गुरु ने उनके वचन देना कि ता सबन में भगवान के दिसजो केवल मूर्ति में ना भाई सबन में भगवान के दिसो तड़ी ता पक्का थींदो। उन डी खां पो नामदेव महाराज यो वचन खयो और पोत एक बार फुलको प्या ठाइन रोटी प्या ठाइन कुत्ते दे लाए अना घी लगाने वारा होया तो कोई कुत्तो खणी रुक पाए ओडा हली वियो उनजे पोयतो घी जो कटोरो खणी नामदेव महाराज वनन प्या चन प्या भगवान रुखी रुखी न खाओ थोड़ो घी त खणी वनो और भगवान कुत्ते मा भी प्रकट थी व्या प्रेत मा भगवान के नामदेव महाराज प्रकट करे वतो। चओ हरे राम। हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। एड़ा भगवान जदी भगवान प्रेत मां भी प्रकट थी व्या कुत्ते मां भी प्रकट थी व्या त नामदेव महाराज से ढाडो प्रसन्न थिया। भगवान चंदा कि हा भाई हाने तू सुनाने तो वठे हां हाने पेंजे गुरु जी कृपा सा तू जादे काडे सा के पकड़े तो वठे भाई नामदेव महाराज के त भगवान के चवण लगा हा प्रभु हाने त मां ताके सुनाने वयो आया हाने त ता केड़े भी रूप में अचो मां ताके पहचाने वेंदु छो जो मां गुरु जा वचन पालन तो कया। ठीक एक डी की गाल नामदेव महाराज नदी के किनारे वेही भजन पिया कर उते कुछ राहगीर आया वो पेंजा सब उन्हें तंबू टेंट उते लगाया जाते नामदेव महाराज भजन पिया कर। नामदेव महाराज दिठो तो ढाड़ो शोर तो थे ढाड़ो हल्लो गुल्लो तो थे उन्होंने जोर से आवाज दिनी अरे भाई हल्लो न कयो मैं भजन तो कया मुखे भक्ति करण दियो ढाड़ो गोड़ ता कयो ता एकड़ा पति पत्नी आया बिन्हीं के हथ में हथियार घरवारी पेंजे पति की चेती स्वामी सुबुह का कुछ खादो भी ना है कोई शिकार मिलियो ना है ये सामू मिलियो। चओ हरे राम। नामदेव महाराज हेडे होडे दिठो कि भाई केंजे लाए ता गलायन ओ घरवारी चेती तां जे लाई ता चऊं भाई तां की ता चऊं असा बुख में बैठा आयो सुबुह का कुछ खादो ना है
हाणे बढ़िया तां तो हट्टा कट्टा ताजा ताजा था लगो। पेंजी पत्नी के चुन लगी, स्वामी हलो हम लोग कहो भाई न थे। नामदेव पकड़ी पेंजी अड़ी ड्रुक पाती, उतो अड़ी ड्रुक पाती, तुरंत ड्रुकंदा ड्रुकंदा हाफींदा हाफींदा भगवान विठल जे मंदिर वया। मंदिर जो दरवाजो अंदरों बंद कर छड्यो। थोड़ी साह में साह जेडी मल आयो, भगवान के चवन था प्रभु। भगवान चवंदा नामदेव छा थियो भाई, एडो हाफी छो तो, छा थी वियो, कातो ड्रुकी तो अचे, छा थी वियो? भगवान अड़ तां कृपा कई आ, बचायो तो, न त जय गोपाल थी वने, आज तो माण्हुनि जो भोजन ठही वना। अरे भाई छा थियो? चेरे हो पति पत्नी जेके होया उहे त मूंखे मारण जे लाइ आया, उहे त चवनि पिया अॼु कुझु खाधो न आहे, शिकार मिली वियो, उहो त मूंखे राति जो डिनर ठाहे छॾनि। भगवान मुस्कुराइण लॻा, छो पहचानियो न? भगवान चवनि था, चओ हरे राम, छो भाई सुञातो न असांखे? ची प्रभु ची, अरे ॿियो कोई न, असां ई हुयासीं, लक्ष्मी माता ऐं मां। भगवान चवनि था, लक्ष्मी जी ऐं मां ॿई आया हुयासीं। अरे प्रभु तव्हां हुयो? हा तू त वॾी ॻाल्हियूं पियो करे की हाणे मां तव्हांखे सुञाणे वेंदुमि, हा हाणे मां तव्हांखे पकड़े वेंदुमि। छा थियो? नामदेव महाराज चरणनि ते किरी पिया। तॾहिं नामदेव महाराज चयो की न, जंहिंखे तव्हां कृपा कंदव जेते, उहो ई तव्हांखे पहचाने सघंदो। तव्हांजे कृपा जे बिना कोई तव्हांखे सुञाणे बि न सघंदो प्रभु। जिते तव्हां दया कयो, जिते तव्हां बख़्शीश कयो प्रभु, जिते तव्हांजी दया थी।